हेलो सर, कैसे हैं? हाय, बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? सर, आपसे कुछ पूछना था मेरे को। यस, पूछो। सर, मेरा कोच है मिस्टर कालू प्रसाद जी, उसने मेरे को बोला है कि अगर आप लंबे पैर में ड्राइव मारेंगे तो आपका बैलेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, तो क्या ये सही है? नहीं, ये बात सरासर गलत है। ये एक तरह की भ्रांति है जो चारों तरफ फैली हुई है। बहुत सारे कोच भी इसका प्रचार करते हैं, पर यह बात बिल्कुल गलत है। तो सर, सही क्या है? सही ये है कि आपको एकदम छोटे पैर में जितने आप कंफर्टेबल हो उससे में ड्राइव मारना चाहिए, उसमें डिफेंस करना चाहिए, उसमें अपने शॉट्स खेलने चाहिए। लेकिन सर, कोच तो बहुत सारे बोलते हैं अलग अलग, लेकिन आप सही बोल रहे हैं, ये हम लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे? ठीक है, इसको मैं पूरे वैज्ञानिक तरह से समझाता हूँ आपको। देखिए, न्यूटन जो थे, सर आइजैक न्यूटन, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने तीसरे सिद्धांत में कहा था कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो जब हम बॉल को मारते हैं तो बॉल, हम एक फोर्स जनरेट करते हैं बॉल की तरफ, और इतना ही फोर्स, इतना ही मोमेंटम हमारे प्रति भी जनरेट होता है। चलिए, अब आपको मैं ये प्रैक्टिकली समझाता हूँ। हरीश बेटा, इधर आना। स्टांस लो, कट। अब बड़े पैर का यूज करके एक ड्राइव मारिए। देखिए, आप शॉट मारने के बाद ये डिसबैलेंस हो चुके हैं, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे आ चुका है, और ये बॉल का जो रिएक्टिव फोर्स है उसको झेल नहीं पाएंगे और ऐसे डिसबैलेंस होके गिर सकते हैं। अगर ये बॉल मिस करते हैं तो स्टंप आउट होने का भी चांसेस है। अब आपको दूसरा ड्राइव दिखाते हैं छोटे पैर का यूज करके। हरीश, स्टांस लीजिए, ड्राइव मारिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में है और ये परफेक्टली बैलेंस्ड है, और इससे आप अगर बॉल मिस भी करते हैं स्टंप होने के चांसेस कम है। अगर आप स्विंग में बीट होते हैं उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे LBW और बोल्ड होने के चांसेस कम है। दोस्तों, अभी मैंने आपको दो ड्राइव दिखाए, एक बड़े पैर में, एक छोटे पैर में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आपको एक अच्छा प्लेयर बनने में, एक क्वालिटी प्लेयर बनने में मदद करेंगी। देखिए, जब आप बड़े पैर से मारते हैं तो आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, आप गिरने लगते हैं, इससे आप ड्राइव में अपने कोर का पावर नहीं डाल पाते हैं। अगर बॉल थोड़ा रुक के आती है तो आप मिस टाइम कर देंगे और ये बॉल कवर या मिड ऑफ के हाथ में जा सकती है। वहीं जब आप छोटे पैर में मारते हैं तो आप आराम से रुक के ऑन दी अप भी मार सकते हैं, आपके पूरे कोर का पावर आता है, आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि बॉल बहुत ज़्यादा ऊपर है, थोड़ा रुक के ऊपर से भी मार सकते हैं। अगर बॉल हल्की सी गुड लेंथ पे है और सीम करती है तो आपको एडजस्ट करने के लिए हल्का सा टाइम मिल जाता है और आप LBW होने से बच सकते हैं।